स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक शख्स पिछले 10-12 दिन से बहुत परेशान है। परेशान इसलिए नहीं कुछ खो गया उसका, परेशान इसलिए है कि किसी का कुछ मिला है उसे। उन्हें एक कैमरा मिला है कैनन का, जय वाली भद्रवाह से 19 जून को। उसमें कुछ फोटोग्राफ भी हैं, जो फोटोग्राफ आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हो ये कैमरा के अंदर की फोटोग्राफ्स हैं, और ये कैमरा का फोटो है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये कि जिसका भी ये कैमरा है उस तक पहुंच जाए। जाहिर सी बात है, कोई जाए वाली रोड घूमने गया होगा भद्रवाह, वो कैमरा उसका वहीं रह गया। तो इन साहब को ये कैमरा मिल गया और ये चाहते हैं कि ये कैमरा उन तक वापस पहुंच जाए। इसके लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कुछ मीडिया वालों के नाम बताए कि मैंने उन्हें सबसे अप्रोच कर लिया। साहब, मेरी मंशा सिर्फ ये है कि इस कैमरे को मैं उस मालिक तक पहुंचा सकूं। ये मुझ पर बोझ है। ऐसे लोग हैं, ये बड़ा हैरान कर देने वाला मैटर है कि ऐसे लोग हैं दुनिया में। मेरे साथ हैं वही शख्स जिनके पास ये कैमरा है अभी। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुखविंदर सिंह राणा है। सुखविंदर सिंह राणा साहब, पूरी बात बताएं, 19 जून को क्या हुआ, पूरी बात बताएं। सर, एक्चुअली हुआ ऐसे कि 19 जून को हम भद्रवाह जाई वैली घूमने गया, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने गया। तो जब जाई वैली से वापिस आ रहे थे तो रास्ते में, जो जाई वैली का रोड है वहाँ रास्ते में अचानक मुझे एक काले रंग की कुछ चीज दिखी रोड में। मुझे लगा कि आई थिंक जैसे किसी का गाड़ी का फॉग लैंप वगैरह गिरा होगा। लेकिन जब मैं गाड़ी के बिल्कुल उस कैमरे के बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो मैंने अब ब्रेक तो लगा नहीं सकता था अचानक से, तो मैंने ऊपर से गाड़ी निकाल के गाड़ी आगे रोक के मतलब उतर गया और देखा कैनन का कैमरा था। काफी मतलब महंगा कैमरा है वो। तो जब मैंने वो कैमरा घर लाया तो मैंने उसको जब अंदर से देखा कि इसमें क्या है, किसका कैमरा है, फोटो वगैरह देखे। कैमरा आगे थोड़ा टूटा हुआ है, मतलब उसका प्लास्टिक वाला पोर्शन टूटा, लेंस वगैरह सब सेफ है उसका। तो जब मैंने कैमरे के अंदर देखा उसमें मुझे कुछ फोटोज दिखे, कम से कम 8,500 के आसपास फोटोज है उसमें। उसमें एक फोटो था स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का, मतलब कैमरे का ओनर ही बोलेंगे उसको, वो उसका उसकी वाइफ को फोटो है डिजायर गाड़ी के साथ। तो मेरी कजिन है यहाँ पे जमकाश पिकलेट्स में, तो मैंने उनसे अप्रोच किया, उन्होंने मेरे को उस गाड़ी के ओनर का नंबर प्रोवाइड किया। लेकिन वहां से भी बात बनी, वो नंबर शायद अपडेट नहीं हुआ होगा या क्या था, जिस गाड़ी का उस कैमरे में फोटो था। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की सर अपनी तरफ से, अब हम क्या ही कर सकते हैं, मेरी जॉब यहाँ श्रीनगर में सर्विस करता हूँ सर, आपकी वीडियो वगैरह तो मैं देखता रहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा रविंदर से बात करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, फिर आपसे मैंने बात की तो आपने हेल्प कर ली है। देखो मैं यही चाहता हूँ कि वो जिसका कैमरा है उस बंदे तक पहुँच जाए, क्योंकि उसकी बहुत मेमोरीज है उसमें सर, 8-9,000। मैं आपकी बात समझता हूँ सर, लेकिन ये वीडियो चलने के बाद आपको बहुत से कॉल्स आएंगे, ये कैमरा मेरा है मेरा है। आप जे कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसका कैमरा है? सर, मेरे पास फोटोज है ना उस बंदे के। हाँ, और जो एड्रेस है, मतलब उस गाड़ी का जो फोटो है, उस पहले तो मैं ये देखूंगा उसका एड्रेस भी मेरे पास है, बठिंडी का एड्रेस शो कर रहा है उस गाड़ी की आरती से, जिस गाड़ी का फोटो उस कैमरे में था। तो बठिंडी का एड्रेस शो कर रहा है, उसका नाम भी शो कर रहा है। बट जब वो बंदा कैमरा लेने, अगर बाई चांस कोई बोलता कि मेरा कैमरा लेने आएगा, तो सबसे पहले मेरे को ये बताया गया कि कैमरे में मटेरियल क्या है, एक दो फोटो से थोड़ी। नहीं नहीं, आपको उसी को कैमरा लुटाना है जिसका वो उस आज शख्स का फोटो है बीच में, वही कैमरा लेने आएगा तो आपको देना है वापस। जिस बंदे के फोटो दिए जाते। पाजी, आप क्या काम करते हो? मैं CRPF में सर्विस करता हूँ। अभी आप कहाँ पे हो? मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ। तो वो कैमरा कहाँ है? कैमरा जम्मू में ही है, घर में सर मेरे। जम्मू में ही है, ठीक है। शुक्रिया साहब, सुखविंदर सिंह राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कैमरा मुझे मिला होता तो मैं तो वापस नहीं करता। नहीं सर, अब किसी की चीज है तो सर वापिस तो करनी पड़ेगी। वापिस तो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब ये सारी डिटेल हमारे साथ साझा करने के लिए। और हम जो फोटोग्राफ्स आपने हमें भेजे हैं उस कैमरा से निकाल कर, वो भी हम फ्लैश करवा रहे हैं स्क्रीन पर, ताकि अगर किसी का भी कैमरा है तो वो आपका नंबर भी हम फ्लैश करवा देंगे, ताकि वो आपको कॉल तो कर सके। ठीक है, लेकिन साहब एक बात का याद रखना राणा साहब, कि जिसको भी आपने ये वापस देना है, जिसका फोटोग्राफ उसमें है वही लेने आएगा तो वापस करना है। हाँ,
हाँ उसी को ही वापस दूंगा सर, जैसे ये मैंने आपको भी फोटोज भेजे ना सर। जी 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 तो यही बंदा अगर लेने आएगा मेरे से तो मैं दूंगा, अदरवाइज जाते तो वो वैसे तो कोई भी बोल देगा कि वैसे तो मैं ही बोलूंगा, मैं अभी आपको बोलता हूँ ये मेरा है मुझे दे दो, है ना। चलो शुक्रिया सर, शुक्रिया साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, उम्मीद करते हैं जिसका है उस तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच सर आपकी इतनी हेल्प करने के लिए, आपने इतनी मदद की हमारी, नहीं तो मैं तो वैसे ही बहुत परेशान था कि भाजी आपने आपने मुझे कांटेक्ट करते करते मुझे लगता है 4-5-6 दिन हो गए, 6 दिन के बाद मदद की तो क्या की। नहीं नहीं सर आपने इतना आप हमारे लिए कर रहे हैं सर, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है सर। शुक्रिया भाजी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ लोगों के पास तो टाइम भी नहीं रहता है, बात करने का टाइम नहीं रहता। थैंक यू भाजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर इस कैमरे की फ़ोटोग्राफ और इसके अंदर जो फ़ोटोग्राफ है वो आप देख लीजिए। ये सिंह साहब चाहते हैं कि जिसका है उसको मिल जाए, इनका मोबाइल नंबर हम कैप्शन में फ्लैश कर रहे हैं, आप देख लीजिए। जिसकी भी ये धरोहर है सिंह साहब के पास, राणा साहब के पास, बिल्कुल सेफ है, लेकिन क्लेम वही कीजिएगा जिसकी फ़ोटोग्राफ उसमें है, वही लेने जाएगा तो उनको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।